बिहार में AIMIM के 5 विधायकों में से 4 राजद में चले गए हैं और अभी हम हैं बहादुरगंज विधानसभा में, किशनगंज जिले का बहादुरगंज विधानसभा, जहां से AIMIM के विधायक अंजार नईमी थे, अब वो राजद के विधायक हैं। अभी बहादुरगंज विधानसभा का ही एक मार्केट है, लौचा मार्केट, काफ़ी मशहूर मार्केट है ये लौचा पुल जो है वो भी यहाँ से पास ही है, उसी मार्केट में है और यहाँ लोगों से बात करेंगे, इनकी राय जानेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिल अनवर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? महेशबतना। इसी विधानसभा में वोट देते हैं ना? जी। बताइए, आपके विधायक जो थे अंजार नईमी, वो AIMIM से थे, अब राजद में चले गए हैं, सही किए हैं गलत किए? ये तो गलत किए हैं वो लोग। अच्छा। जैसे एक मुस्लिम पार्टी था, वो मजबूत पार्टी था और उसी में रहना था, वो ये लोग इस पार्टी को छोड़ करके गलत किए हैं, क्योंकि ये अंजार नईमी को तो वोट नहीं दिए थे। अच्छा। वोट तो दिए थे AIMIM को, समझ गए, मगर वो लोग गद्दारी किए हैं पार्टी से गद्दारी किए। आज यहाँ देख लीजिए, इतना तबाही मचा है इस बार में, और इससे पिछले भी बार आया था, बहुत तबाही हुआ था। ये सोच करके कि चलो अपना मुस्लिम पार्टी है और क्या कहते हैं कि अच्छा मजबूत पार्टी है, कोई सहायता करेंगे लोगों को, गरीबों का भला होगा, मगर ये लोग भला नहीं किए। ये लोग अब उस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चले गए, तो ये दल बदलू हो गया। आप तो लोगों के नज़र से, जनता के नज़र से गिर गए। आप दोबारा अगर वोट के लिए आएगा तो उन लोग को नकार देगा, वोट देगा ही नहीं, क्योंकि सारे इलाका में जय जयकार हो रहा है कि दुगला हो गया, धोखेबाज हो गया, क्योंकि कोई भी अपना रहनुमा चुनता है, अपने 5 साल का हिफाजत के लिए चुनता है, मगर ये लोग गद्दारी कर दिया पब्लिकों से, समाज से और पार्टी से भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत गलत हुआ, और इससे ज़्यादा और क्या कहें। अच्छा, आने वाले दिनों में अगर AIMIM से कोई और वो तो समर्थन करेंगे, वो देखने के बाद ही पता लगेगा। AIMIM पे भरोसा? AIMIM पर तो भरोसा है? नहीं, AIMIM पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है और ना होगा। पहले इनसे बात करें। नहीं, भरोसा तो है वो अपना, तो आज कितना 2 साल हो ही गया लमसम इलेक्शन का, 2 साल में तो अपना कोई कार्रवाई दिखाया ही नहीं। अब कुछ दिखाता तब तो जानते कि हाँ भाई AIMIM आकर के कुछ काम किया या कोई मुद्दा में काम कर रहा है, अभी तो कुछ किया ही नहीं। अब लग रहा है दूसरे पार्टी में जाने के बाद कुछ करेगा ये लोग? अब देखो क्या करता है, कोई काम दिखाएगा तो आगे उन लोग का रास्ता खुला रहेगा, अगर कोई काम नहीं दिखाया तो फिर आगे वो लोग सोचेंगे क्या करते हैं। क्या नाम है आपका? महबूब आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बताऊँ? बताइए, क्या कह रहे हैं? आए, क्या कह रहे थे? सैलाब वगैरह कुछ? सैलाब के बारे में अभी उन लोगों को सैलाब के बारे में देखना चाहिए, किसका घर कट रहा है, कौन है, सब बेघर हो रहा है, तो उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए ना। अभी उसको जाकर के AC रूम में बैठ के अपना दल बदलू करना चाहिए, ये पार्टी से वो पार्टी, वो पार्टी से ये पार्टी। और हम लोग जो उसको वोट दिए, तो आशा लेकर के दिए थे ना, हम लोग तो कभी इसमें AIMIM में नहीं थे, लेकिन नया पार्टी देखे और अविसी को देखे, हम लोग उस पर आ गए और हम लोग को बीच में धार में वो छोड़ के चले गया। अब हम लोग किधर के हैं, तो ये बेइंसाफी हुआ ना, उसको सज़ा मिलेगा आने वाला वक्त में, बढ़िया से सज़ा मिला कि मऊ। तो OBC के पार्टी अगर फिर आता फिर चुनाव, तो क्या आप लोग समझते हैं? उसको क्या, OBC को बेचारा तो कड़े से कर दिया है लोग। अच्छा। ये लोग तो साफ बर्बाद कर दिया उसको। अच्छा। OBC आप कहाँ से आएगा? आप सब लगेगा इन लोगों के पीछे, चारों विधायक के पीछे, सारा आवाम इन लोगों को कहाँ भेजेगा वक्त बताएगा। और क्या कीजिएगा कि शकील की करबो आप? अंजार साहब, आपका क्या नाम है? नहीं है। कहाँ के रहने वाले? हम लोग महेशबतने के, सब वही बात बोलेंगे। क्या बोले, सही किए गलत किए पार्टी बदलना? अब पार्टी पर मैं बदलना नहीं चाहता, या वो बदल दिया तो उसका मर्जी की बात है। अब क्या हम लोग क्या करेंगे, उससे लड़ाई करेंगे? क्या नाम है? मोहम्मद नूर जमाल। कहाँ महेशबतना पंचायत जी। बताइए क्या कह रहे थे? बहुत दिक्कत है, क्या कह रहे थे? वो दल बदलू को और कौन वोट देगा अंजार नईमी को? उससे पहले तो बोल रहे थे कि आगरा से मैं ताजमहल खरीद के लाके देंगे हम लोग, ये रोड बना देंगे, वो गांव में पूरा चकाचक कर देंगे। क्या किया? कुछ नहीं किया।
इसलिए उसको वोट होगा भी नहीं, चाहे इस पार्टी में जाए उस पार्टी में जाए, उसको किसी कीमत पर वोट नहीं होगा बहादुरगंज विधानसभा में। नहीं, वो पार्टी को वोट ही नहीं होगा, पार्टी को भी वोट नहीं, पार्टी को ही वोट नहीं होगा। आप देख लीजिए आने वाले दिन कहीं माइक में अनाउंस नहीं कर पाएगा असदुद्दीन ओवैसी, ये आपको हम लिख करके दे रहे हैं, नहीं कर पाएगा कोई, क्योंकि ये दो तीन साल में हम लोग देख लिए क्या किया, कुछ नहीं किया है। आप खुद जाकर के देख के आइए सर, वहाँ पर क्या हाल है रोड का। वो बोला कि हम जीतने के बाद ही देखेगा, ये रोड को बना देंगे, वो रोड बना देंगे, आसमान से तारे तोड़ के ला कर देंगे। क्या किया आप हमको बताइए कि कोई काम किया, कोई नया काम किया? ये तो हम लोगों का सदियों से ऐसे पड़ा हुआ है, है ये है। उससे अच्छा तो हम लोग का ये महेश बतना टूलौचा, अच्छा उसके बाद वो महेश बतना क्या हट टोला वाला खाड़ी टोला, वहाँ जाके देखिए रोड का क्या हाल है। जब समय आता है बरसात का टाइम में उसमें बोरी लेकर के वो मिट्टी भर करके उसमें दे देता है, हाँ भाई काम हो गया। और काम हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। तो पार्टी बदलने से कुछ नहीं होता है, आदमी के अंदर एक ये होना चाहिए, उसके अंदर है ही नहीं है, वो नेता के लायक नहीं है। आपका मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये आम जनता बोल रहा। आपका महेश बतना में तो बात बार अभी जाके देखिए ना सर, आप महेश बतना जाना पसंद नहीं करेंगे अभी इस हाल में। अब जाके सर चल के जो जाके देखिए कि क्या हाल है, कहाँ है यहाँ पर, कई बार आए, एक बार डीएम साहब भी आए तो वो भी देख करके चले गए, ठीक है हो जाएगा। वो देखिए रोड जाके हाल जाके देखिए ना, पूरा गाँव कट गया है, पूरा पूरा गरीब गुरबा जितना भी आदमी है सब रोड में आकर के पड़ा हुआ है। क्या दूसरी पार्टी में नहीं, उनको वोट ही नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर वो एक्टिविटी है ही नहीं है, उसके अंदर नहीं है, नेता के लायक वो नहीं है भाई, वो नहीं कर पाएंगे काम। बस हम तो बोल रहे हैं ये बात को, हम तो खुल के बोल रहे हैं कि आने वाला दिन में अब इसी की पार्टी को यहाँ एक भी वोट नहीं होगा। ये आप हमको बोल रहे हैं, आपको चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, पहले माइकिंग करते थे ना जगह जगह पर, लेकिन नहीं कर पाएंगे और, क्योंकि काम ही नहीं कर रहा है कुछ, खाली बोलने से नहीं होगा, कुछ करके दिखाना होगा। क्या करके दिखाया वो बताइए अब हमको, आप ही बताइए कि हाँ भाई फलाना जगह आपका महेश बतना में काम किया, क्या काम किया बताइए सर, कि हाँ फलाना जगह काम कर दिया, आपका रोड बना दिया, ये कर दिया वो। एक कागज लेके आप ब्लॉक के अंदर जाइए, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं कोई कागज लेके ब्लॉक के अंदर गया लेकिन आज तक वो काम नहीं हुआ। उसका पीए बोलते हैं हाँ फोन कर दिए हम, उसका पीए का नाम सुन सुनता और भड़क जाता है। बिजली ठनक से पिछले साल के बाद दो गरीब आदमी बेवा, दो गाय, उसका बेचारा बच्चा देने वाली गाय, दोनों गाय मर गई। तो विधायक जी एक बार हाँ मैं ये काम तो हो जाएगा तुम्हारा, तुम ऐसा ऐसा करके, तो कहे कि डॉक्टर के पास गए कैसे माथा पीछे कर करके वहाँ से लाए। अब क्या बोलेंगे, कैमरा के सामने इतना बोलना भी नहीं चाहिए, क्या बोलेंगे? लेकिन ब्लॉक गए, उसके बाद जाते हैं 500 रुपया लाइए ना, मजबूरी में जानते हैं 500 रुपया दे करके फिर फाइल दूसरी जगह दिए, वहाँ जाकर फाइल पेंडिंग हुआ तो हो गया, रह गया। अब ये बोलता है कि हाँ हम तो फोन कर दिए, और उसका बात सुन सुन और भड़क जाता है। बहादुरगंज ब्लॉक में, बहादुरगंज ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम, कहीं नहीं, हम बहादुरगंज के, हम बहादुरगंज के ही बात करते हैं, हम दूसरे के बारे में हम तो क्या जानेंगे, अपना तो खुद ही बुरा हाल है। आप चल के देखिए ना अभी यहाँ महेश बतना, यहाँ से आपको एहसास होगा सर कि किस हाल में ये लोग जी रहा है यहाँ पर। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बोल के क्या करेंगे, कैमरा के सामने में बोल देते हैं हो गया, आप सुन लिए हम लोग चले जाएंगे, क्या करेंगे? ये अनजान नहीं बोला हम बदल बदल दे, वो जानता है कि अब हमको तो वोट होगा ही नहीं, अब पार्टी बदल करके चले गए उसमें, तो उसमें भी जाने से कोई, उसके अंदर वो चीज़ है ही नहीं है, राजनीतिक लागू नहीं है, उसको वोट भी नहीं होगा, चाहे वो कांग्रेस में चले जाए, आरजेडी में चले जाए, आप देखिएगा आने वाला नहीं, उसको इलेक्शन में वोट नहीं होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात को, वो तो एक हवा था उस समय तो हो गया, वो लंबा लंबा भाषण सुन के सब उनको वोट दे दिया, अब देगा कोई वोट? अब पूछिए किसी जनता से कि वोट देगा उसको? जो विपक्ष मजबूत रहेगा उसके बीजेपी के खिलाफ उसी को वोट होगा, जो काम करेगा इलाका विकास करेगा उसी को वोट होगा। आप जाइए वहाँ जाके देखिए ना सर, देखिएगा जाके तब ना पता चलेगा आपको क्या का हाथ टोला, जाके देख के आइए आप, आपको वहाँ का हाल देख करके आपको रोना आ जाएगा कि आदमी कैसे जिएगा वहाँ, बताइए। ये भी रोड पूरा कटा हुआ, जा नहीं सकेगा सर, आप चल के तो देखिए एक बार वहाँ का हालात को जाके देखिए पहले, आपको क्या हालात है, वही हम लोग बोल लेते हैं हो गया, बोल देंगे चले जाएंगे। अंजा नहीं, मैं आगे क्यों नहीं देखा रोड को आज तक? आप विधायक बने बोले कि हम जीतने के बाद ये रोड बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या कर दिया आप? कुछ नहीं। ऐसे इसलिए डल बदलने से उसका कुछ नहीं होगा, उसको वोट नहीं होगा। रोड का शिलान्यास करके किया तो आज तक नहीं लौटा। खाली रोड का शिलान्यास करने से नहीं होता है, उसको काम दिखाना पड़ता है। क्या काम देखा है बताइए? जब बाढ़ आ गया, जब बरसात आ गया, तब वो मिट्टी भर के बोरी डाल करके वहाँ दे रहा, वो रुकेगा नदी में, रेतवा नदी में? हम लोग पब्लिक हैं, हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोल करके रह जाते हैं सर, हम लोग का कोई काम सुनता ही नहीं है, कोई नेता ही नहीं सुनता है, एक भी नेता नहीं। उससे चारों साल वही पहले वाला है डिप्टा जो भी था, और उसके अंदर तो कुछ था, कुछ बोल रहा था ब्लॉक में जाकर के, थाना में जाकर, सर फलाना काम करो, वो करता था जो सही काम होता था, उससे भयभीत था, लेकिन इससे कोई भयभीत नहीं है।
अभी मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात ना, उससे कोई भयभीत नहीं है, कोई बात नहीं सुनता ब्लॉक में। चलिए ना सर जाके देखिएगा तो पता चलेगा आपको, एक कागज लेके जाइए, आपका जल्दी साइन नहीं करेगा वो। नहीं दीजिए पैसा, दीजिए 500 टका दीजिए, काम कीजिए। हम लोग से नहीं होगा। उस वक्त आप लोग क्या चुनाव में समर्थन किए थे? मैं तो समर्थन नहीं किया था, मैं तो कांग्रेस में ही था, पुराना कांग्रेस में मैं। अच्छा। मैं कांग्रेस में ही था। हाँ कांग्रेस में ही था मैं। मैं लोगों को नहीं सपोर्ट किया और हमें फिक्र है इस बात की, उस तरफ नहीं जाऊंगा मैं। ये महेश बतना वाला जो सड़क है अभी 8 जगह कटा हुआ, आने वाला ये प्रधानमंत्री जो रोड है लवचा हाट से पूरब तरफ जो है एक पुल होना चाहिए। ये बाद में जो पानी सैलाब हो जाता है बड़ा जो पुल होगा तो एकदम ये पानी निकल जाएगा, नहीं तो सभी को नुकसान है, हजारों घर को नुकसान होता है। छोटा छोटा कलवट है प्रधानमंत्री रोड में, इसके वजह से बाद में फैल जाता है पानी, सबका घरों में घुस जाता है। तो मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि ये रोड चौड़ीकरण भी हो बहादुरगंज ब्लॉक से लेकर टेहरागंज तक, और एक पुल होना चाहिए यहाँ पे लवचा हाट के पश्चिम तरफ, ये पूर्व तरफ सॉरी। और ये महेश बतना वाला इसमें कलवट भी 5-6 होना चाहिए। 1,48,00,000 का जो ये एस्टिमेट बना है 2 किलोमीटर करीब महेश बतना 900 मीटर, तो इसमें कलवट भी हो, बढ़िया भी काम हो, बोल्टर हो। बहुत लोगों को 8 जगह डेबिट पड़ गया है रास्ता, बहुत दिक्कत है। क्या बोले आप जी? अनजान पड़ेगा राजा से अनजाने में साहब, नहीं लगता कि भर देगा कोई, नहीं देगा। मैसेज चला गया गलत। अच्छा। लोग ये कह रहा है कि पैसा पर दल बदलू हो गया है। अच्छा। और लोगों से पूछा भी नहीं, वो लोग से अगर एक बार पूछ लेता कि मैं फलना से फलना में जा रहा हूँ तो शायद कोई चांस था उसका, लेकिन अब मुश्किल है, अब तो शायद उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो आए, लोगों से मिले और जो अंदर की बात है वो बता दें लोगों को कि वो क्यों गए और किस लिए गए।